तो हेलो गाइस, आप लोग एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइस, आ चुकी है बड़ी खबर, जिसका था इंतजार वो घड़ी हमारी आ चुकी है। गाइस, इंतजार की जो पल है, घड़ी है, यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट के जो है जून 23 दिसंबर 23 के जो है जितने भी शिक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बोर्ड की तरफ से। जैसा कि गाइस हम लोग लगातार आपको बता रहे थे कि दोनों परीक्षा जो है आपका कभी भी हो सकता है, परीक्षा की जो नोटिफिकेशन है, डेट शीट है, टाइम टेबल जो है, प्रोग्राम जो है, कभी भी जारी किया जा सकता है। और वैसा ही जैसा मैंने बोला था वैसा ही, तो मैं आपको यही बोलता यही मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो हम बोलते हैं वही होता है, जो हम नहीं बोलते वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला वही 100% हुआ। मैंने बताया था 15 तारीख से आपका जो है, 15 जून से जो है आपका जो है एग्जाम स्टार्ट है। तो एकदम एक डेट, एक दिन ना इधर एक दिन ना उधर, एकदम एग्जैक्ट जो है 15 जून से आपका जो है एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि हमने बताया था, दोनों सेशन का कंबाइंड एग्जाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है। देखो, प्रथम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जून 2023, द्वितीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यहाँ पर दिसंबर 2023 के शिक्षार्थी का परीक्षा कार्यक्रम। भाई मेरे, यहाँ पे मैं आपको बता देने वाला हूँ, प्रथम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर का मतलब हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट के एग्जाम हो रहे हैं पहले, तो देखो दो पार्ट में आपका एग्जाम करवाया जा रहा है। पहले इंटरमीडिएट का एग्जाम करवाया जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, मैट्रिक का एग्जाम लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है। यहाँ पे एक ही मतलब प्रोग्राम में दोनों के अगर एग्जाम लेना संभव नहीं था, मतलब कैसे, 10th का 12th का, तो भाई अटेंडेंस वगैरह ये सारा कॉपी चेकिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसीलिए गाइज पहले जो है इंटरमीडिएट, उच्चतर का मतलब होता है इंटरमीडिएट का एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है 10th वाले स्टूडेंट का, जस्ट इसके बाद जो है बिहार बोर्ड करवाएगा, ठीक है। आज ये गाइज मैं आपको सारा प्रोग्राम बताने की कोशिश करता हूँ, कौन कौन से दिन आपके एग्जाम पढ़ रहे हैं, सारी अपडेट। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे गाइज, ठीक है, एट द पॉइंट आने वाले हैं। आज हमारा गाइज 30 मई है और आज आपका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि आपका जो है एक दिन में दो एग्जाम पढ़ रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे एक दिन में आपके दो एग्जाम पढ़ रहे हैं। पहले थ्योरी के एग्जाम होंगे, फिर प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे। एडमिट कार्ड आपके जो है क्या वो बड़े वाले फ्लाइट पकड़ के बहुत ही जल्द आपको भेजा जाएगा, ठीक है। वो रफ्तार से जो है भैया आपको जो है वहाँ पे सबमिट कर दिया गया है, कभी भी जो है आपके पास जो है पहुंच जाएगा, समझ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट में आपका आ रहा है, ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह चढ़ के। तो ये गाइस आइए बता देते हैं, दोनों सेशन के स्टूडेंट ध्यान से सुनना। यहाँ पे 12th वाले स्टूडेंट का यहाँ पे डेट शीट जारी किया गया है। पहले यहाँ पे 15/6/2024 को शनिवार का दिन है हमारा, शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, 15 जून को जो है आपका 9:30 से 12:45 में, 9:30 से 12:45 फर्स्ट सिटिंग में, प्रथम पाली में आपका जो है 301 हिंदी का एग्जाम होएगा। वहीं सेकंड पाली में आपका जो है 2 से 5:15 जो है सेकंड पाली में अंग्रेजी का एग्जाम होगा एक ही दिन। तो एक एग्जाम देकर के आप मत जाना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, तुम जो है तुमको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सुबेरे एकदम 6 बजे जाना, टनाटन खा पी के एकदम पूरा पेट भर के जाना, नाश्ता वगैरह जो भी है तुम अपना बांध के ले जाना, ठीक है। और सेंटर पे वहाँ पे जब पूरा अच्छे से खा पी, क्योंकि तुमको जो है 12 घंटे तुमको वहाँ पे सेंटर है, और आज अभी की जो धूप है भाई, उबलता हुआ हमारा पृथ्वी, ठीक है, तो भाप नीचे से निकलेगा तुमको, मतलब ये है कि भाप निकलेगा तो एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे और तुम्हारा शरीर मतलब तपने लगेगा, तो हो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बता देने वाला हूँ, सारा अपना उपाय लेकर जुगाड़ वगैरह लेके जाना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक जो भी है एकदम, वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। गर्मी थोड़ा सी ज़्यादा पड़ रही है इस बार, सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। और मौसम का क्या ही कहना भाई, सूर्य जो है एकदम पृथ्वी के निकट आ चुकी है और अपना कहर जो है बरपा रही है, तो बच के रहना, संभल के रहना, काफ़ी खतरनाक जो है मौसम चल रहा है, सीजन आ चुका है, ठीक है गाइस। अभी का जो दौर है
काफी खतरनाक चल रहा है, तो एग्जाम भी देना है इसी में आपको सबको यहाँ पे एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा संभल के ठीक है। तो 15 तारीख को यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो उसके बाद 19 तारीख को आपको 4 दिन का गैप यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद गणित है फर्स्ट सीटिंग में 19 तारीख को, सेकंड सीटिंग में रसायन है, फिर 20 तारीख को यहाँ पे बायोलॉजी है फर्स्ट में, सेकंड में भौतिक है, 21 तारीख को भूगोल है, इतिहास है, आर्ट साइंस जो कॉमर्स है सबका यहाँ पे डेट शीट निकाला गया एक ही में, याद रखना आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही में है। यहाँ पे 24 तारीख को मैथिली लेखा शास्त्र है फर्स्ट सेकंड सीटिंग में, अपना समझते हैं बता दिया। उसके बाद तुम्हारा 25 तारीख को यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे संस्कृत है, अरबी भी है, उसके बाद क्या दिया मनोवैज्ञानिक है, किसका मैसेज आ गया जस्ट अ मिनट गाइज, तो बोर्ड की तरफ से ही मैसेज आया था, इन्फॉर्मेशन आया था, वही अपडेट वही चीज आ रही थी गाइज हमको, तो हम तो बता ही देते हैं। हमारे पास जो है बड़े वाले फ्लाइट से जो है सुपर फास्ट से जो है पहले आ जाता है 10 दिन, मतलब 20 दिन, एक महीना पहले, तो हम तुम लोगों को, हमारा चैनल नंबर 1 पे क्यों चलता है, क्योंकि सारी अपडेट टाइम टू टाइम सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन ब्रेकिंग न्यूज हमारे चैनल पे तुमको जो है मिलती है, इसीलिए हमारा चैनल बिग बॉस का यहाँ पे नंबर 1 पे ट्रेंड करता है, समझ गए ना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ज्यादा देरी ना करते हुए 26 तारीख को इस तरह से ये है, फिर 27 तारीख को यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, योगा शिक्षा, 28 को कंप्यूटर विज्ञान, उसके बाद संगीत, चित्रकला, ड्राइंग वगैरह जो है, उसके बाद उर्दू मगिस 2 तारीख को। यहाँ पे थ्योरी के एग्जाम गाइस यहाँ पे आपको जो है 15 जून से 2 जुलाई तक चल रहे, उसके बाद प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे सभी पालियों में, 15 मिनट का आरंभिक समय, 15 मिनट आपको जो है पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है गाइज, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रयोग की परीक्षा जो है आपको गाइज 2 सीटिंग में करवाए जा रहे हैं, 4 जुलाई से आपके जो है 9 जुलाई तक आपको करवाए जा रहे हैं, ये शेड्यूल है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। 5 तारीख को जीव विज्ञान, 4 तारीख को यहाँ पे भौतिक फर्स्ट सीटिंग में, सेकेंड सीटिंग में अपना जा करके दे देना, 4 से लेकर 9 तारीख तक जो सीटिंग है, नहीं तो तुम्हारा जो है प्रैक्टिकल भी देना जरूरी है ठीक है। सारा मैंने तुमको बता दिया गाइस ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जाम, पहले थ्योरी के एग्जाम हो रहे हैं, मैंने सारा कुछ अपडेट यहाँ पे जो है तुमको दे दिया गाइस। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए डेट शीट समझने में, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करो, आसानी से समझ जाओगे। मैं तुमको बता देने वाला हूँ एग्जाम की अब जो है वीडियोस जो है क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्यूशन आपको जो है आने वाले हैं, पसीना से मैं भींग चुका हूँ, इतना गर्मी लग रहा है क्या ही कहना, हाईरे गर्मी यार, ओ क्या ही कहना ठीक है गाइस। फिर भी काम तो काम होता है अपना ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, गर्मी लगे चाहे कुछ हो, तो ये देखो ओशियन में बैठ के भी हम लोग तुम्हारे लिए वीडियो बना सकते हैं ठीक है, चांद पे सूरज के नज़दीक में भी बैठ के वीडियो बना सकते हैं, गर्मी हो ठंडी हो तो हम तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल है। तो गाइस मेरे कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई आप लोग एकदम मन से करो, 15 दिन का तुम्हारा टाइम बचा हुआ है, जितना चाहे पढ़ लो, जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर नहीं लिया तो एकदम ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन पे वो देखो, अगर तुमको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो तुमको भाई 159 का भी ऑफर चल रहा है ठीक है, 5 तारीख तक मैंने ऑफर बढ़ा दिया है, 5 जून तक जो है मई खत्म होने वाला है, 5 जून तक ऑफर बढ़ा दिया, 159 का जितना भी स्टूडेंट है सब ले लो, आखिरी मौका है। और देखो इसमें तुमको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हारे को एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्पेशल पीडीएफ गेस पेपर, और ये तुम्हारे ऑफर चला रखे हैं 299 का 159 कर रखा है, सभी स्टूडेंट ले लिया, जो भी बचे हो जिनको भी फेल होने से बचना है, याद रखना अगर वीवोस एग्जाम में तुमको फेल होने से बचना है तो तुमको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो फिर तुम जानो, फिर साल साल भर एग्जाम देते रहो, फिर यहीं पे अटके रह जाओगे ठीक है। इसीलिए 159 खर्चा कर लो और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लो, आराम से जो है 60-90% जाकर के एग्जाम में छापो, समझ गया, जो हम लोग देते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है, इस समझदार के लिए सारा काफी है गाइस। ज्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा, आ चुका है इंतजार का घड़ी, खत्म हो चुका है, डेट शीट आ चुका है, एडमिट कार्ड भी इन्हीं 2-4 दिनों में आएगा, डाउनलोड करके बताऊंगा मैं ठीक है। तो चलेगा इस वीडियो को एंड करेंगे, ये 12th वाले स्टूडेंट के लिए ये डेट शीट जारी किया गया, 10th का जो है अभी जारी किया जाएगा, इसके बाद होगा एग्जाम ठीक है गाइस। चलिए वीडियो को एंड करेंगे और उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी, और क्वेश्चन पेपर के लिए आप गाइस हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ 8229074021, ये हमारा ऑफिशियल ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन, इस पे कॉल वगैरह मत करना, कॉल वगैरह हम लोग यहाँ पे अलाउड, कॉल अलाउड नहीं है, तुम्हारे जो है ओनली मैसेज जो है व्हाट्सएप मैसेज अलाउड है यहाँ पे, समझ गया ना।
तो बाद में मेरे को मत बोला कि हमको सर नहीं उठा रहे, तो भाई क्वेश्चन पेपर के लिए बोला कि साहब वो क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम फॉर्म भरने या जो भी भरने तुम लोग जाकर स्वतंत्र रूप से फ्रीडमली तुम लोग भर लो, ठीक है, समझ गया, एग्जाम तुम्हारे मैंने बता दिया, डेट शीट तुमको मैंने दे दिया, ठीक है। वीडियो को एंड करेंगे और चैनल पे बने रहो, जितने भी स्टूडेंट हो आ जाओ, गए चैनल पे बने रहो, जो सोए हो जाग जाओ, एग्जाम का टाइम आ गया है, आराम से पढ़ाई लिखाई करो, एकदम से फुल्ली तुम एग्जाम दो और तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, अच्छे आएंगे, हम लोग तुम्हारे मार्क्स यहाँ पे अच्छे दिलाने वाले हैं, एकदम तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें है। चले गए, वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।